अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक है जी ऑपरेटर्स में से रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे इक्वल टू और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, उनके लिए कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं और इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है और उनकी आउटपुट हम लोग कैसे देख सकते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं जी, इनको कैसे यूज किया जाता है और इनमें कौन कौन से ऑपरेटर्स की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली जो है उनकी जो लिस्ट है बेसिकली हम पहले वो बना लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स रिलेशनल ऑपरेटर में ऐसे ऑपरेटर्स हैं जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और आप कह सकते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर, मीन के डबल इक्वल टू जिसको हम लोग बोलते हैं। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास जिनको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं बेसिकली ये क्यों यूज किए जाते हैं, दीज आर यूज टू कंपेयर द वैल्यूज। दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ए लेस देन बी, तो बेसिकली दोनों का कंपैरिजन चल रहा है कि ए की वैल्यू क्या बी से छोटी है, या हम लिख देते हैं जी बी इक्वल टू सी, क्या बी और सी की वैल्यू सेम है, बी नॉट इक्वल टू डी, बी और डी की वैल्यू सेम नहीं है। मीन्स के हर बार हम दो वैल्यूज का कंपेयर कर रहे हैं कि भाई एक छोटी है दूसरी बड़ी है, एक बड़ी है दूसरी छोटी हो गई, या वो दोनों इक्वल है या वो इक्वल नहीं है। इस तरह के डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग ये वाले रिलेशनल ऑपरेटर्स की लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये दोनों ही ऑपरेंड्स हैं और वैलिड ऑपरेंड्स होने चाहिए। मीन्स कि यहाँ पर एक्सप्रेशन भी हो सकता है वैसे तो, मीन्स कि आपने यहाँ पे लिख दिया जी एक्स माइनस वाई, ये एक एक्सप्रेशन है, वैलिड एक्सप्रेशन है डेफिनेटली। लेस देन जी, तो ये बिल्कुल ठीक है, आप वन एक साइड पे आप ऑपरेंड यूज कर रहे हो सिंगल ऑपरेंड, और यहाँ पर आप ऑलरेडी जिसमें टू ऑपरेंड विद अ सिंगल ऑपरेटर यूज हो रहा है, मीन्स एक एक्सप्रेशन बन गया, तो एक एक्सप्रेशन को भी किसी ऑपरेंड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट इसमें एक चीज जानने वाली ये है बेसिकली कि जो भी कंपैरिजन आप करोगे रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली क्या करेगा कि बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंगली आपको उसका आंसर प्रोवाइड करेगा। मीन्स कि आप जो भी यहाँ पर कंडीशन या एक्सप्रेशन लिखते हो उस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा यानी कि जो उसका फाइनल आंसर होगा वो वन या जीरो में होगा। मींस के आप ये कह सकते हैं कि या वो ट्रू होगा या वो क्या होगा फॉल्स, तो वो ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है क्योंकि इसका कोई सिंप्लीफाइड आंसर नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू लेस देन थ्री, तो यस ये बिल्कुल कंडीशन ट्रू है जी, टू जो है वो लेस देन थ्री है, दो जो है वो छोटा है तीन से, तो इसका आंसर सही या गलत नहीं होता। इसका आंसर ये नहीं होता कि जिसका आंसर आ जाएगा वन जीरो ए बी सी, ऐसा कुछ नहीं होता, तो कोई सिंप्लीफाइड आंसर नहीं मिलता। बस ये होता है कि आपका जो आंसर है वो ट्रू या फॉल्स के जरिए से उसको जज कर लिया जाता है। तो कोई भी वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए और उसके बारे में ये बताने के लिए ये कंडीशन सही है या गलत है उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। और वो जो कंडीशन आपकी होनी चाहिए इट विल बी अ वैलिड कंडीशन, मींस कि आप ये कह सकते हैं कि इट विल बी अ वैलिड एक्सप्रेशन होना चाहिए, कोई एक्सप्रेशन ऐसा ना हो कि जिसमें सिंटैक्स एरर हो और जिसमें रन टाइम एरर हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक वैलिड एक्सप्रेशन है अगर तो आप उसको एक कंडीशन बोल सकते हैं, और उस कंडीशन का मींस के उन नंबरों का आपस में कंपैरिजन के बाद आपको एक आंसर मिल जाएगा। जैसे कि उन्होंने एक बुक के ऊपर एक हमारे पास टेबल है 2.3 जिसमें सारे ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़ लिए। सबसे पहले है जी हमारे पास जैसे कि लेस इक्वल्स टू का ऑपरेटर है, लेस देन का ऑपरेटर है, ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, इक्वल्स टू का ऑपरेटर है, नॉट इक्वल्स टू में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क विद इक्वल टू यूज करेंगे, क्योंकि बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, ये नॉट ऑपरेटर को ये रिप्रेजेंट करता है। वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ेंगे भी उसको, तो ये नॉट का ऑपरेटर हो गया। नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू में कंडीशन हम कर लेते हैं जैसे कि टू एंड थ्री आपस में इक्वल तो नहीं है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी टू इज नॉट इक्वल टू थ्री, तो इसका आंसर क्या है, टू और थ्री आपस में इक्वल नहीं है, तो डेफिनेटली बिल्कुल सही है जी ये ट्रू है, क्योंकि बाकी ये दूसरे की इक्वल नहीं आप सही फरमा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इस तरह उसका आंसर देंगे, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, एंड इक्वल डबल इक्वल्स टू। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसको हम एक टेबल के जरिए से अब हम उसको सोल्व भी कर लेते हैं और इनका आंसर देख लेते हैं जी इसका आंसर कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहले है जी फाइव इक्वल्स टू फाइव, तो जी बिल्कुल फाइव जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल टू फाइव होता है, और इस डबल इक्वल टू के साइन के बारे में भी अभी हम बात कर लेते हैं। तो फिलहाल फाइव डबल इक्वल टू फाइव यानी कि फाइव इक्वल टू फाइव का आंसर आ जाएगा हमारे पास थ्री, यानी कि ट्रू आ जाएगा।
नेक्स्ट ऑपरेटर है जी हमारे पास एक रिलेशन है, 5 इज नॉट इक्वल टू 7. स्टूडेंट यस 5 जो है वो 7 के इक्वल तो नहीं होता ना, तो हम इसका भी आंसर क्या देंगे, ट्रू, जी डेफिनेटली ट्रू है. 5 ग्रेटर देन 7, तो 5 ग्रेटर देन 7 नहीं होता, लेस देन 7 होता है. इसलिए ये एक्सप्रेशन का आंसर हम किस में देंगे, फॉल्स में. ये इसका आंसर आ जाएगा जी हमारे पास फॉल्स. फिर 5 लेस देन 7 है, यस उसका ट्रू हो जाएगा. 5 लेस देन 7, यस ये भी ट्रू हो गया हमारे पास. उसके बाद 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर आ गई दो कंडीशन. वी आर यूजिंग द पेयर ऑफ टू रिलेशनल ऑपरेटर्स. हम यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू को ही यूज करी जा रहे हैं, ठीक है, एक ही एक्सप्रेशन में. तो बिल्कुल वैलिड है, ये गलत नहीं है, आप मल्टीपल ऑपरेटर को यूज कर सकते हो बैठे. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब स्टूडेंट ये है बेसिकली कि अब इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हम इसको ट्रू माने. मींस के 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो नहीं है, लेकिन 5 इक्वल टू 5 है. तो दोनों में से अगर एक भी चल जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये ट्रू है. ऐसे ही एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि 5 लेस देन और इक्वल टू 4. तो स्टूडेंट यहां ना तो 5 लेस देन 4 है ना 5 इक्वल टू 4 है, तो यहां पर तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो हम इसको क्या कर देंगे, फॉल्स. तो स्टूडेंट ये है बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर, और इनके काम करने का जो असूल है, जो तरीकाकार है, वो भी बेसिकली यही होता है, जिसमें आंसर हमें इस तरह से एक ट्रू या फॉल्स की सूरत में मिलता है. इसके अलावा स्टूडेंट नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसके अंदर एक और ऑपरेटर है. आप कह सकते हैं कि दो ऑपरेटर का बेसिकली कंपैरिजन है, असाइनमेंट, जो कि ऑलरेडी हम लोग अपने एक टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं, असाइनमेंट एंड इक्वल टू ऑपरेटर. अब बेसिकली हम लोग यहां पर दो ऑपरेटर्स का जरा आपस में कंपैरिजन करेंगे कि भाई इन दोनों में फर्क क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर में और इक्वल टू ऑपरेटर में क्या फर्क है. स्टूडेंट देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है सिंपल वन टाइम इक्वल टू का जो साइन हम लगाते हैं, और इक्वल टू का मतलब होता है जिसमें हम दो बार ये साइन यूज करते हैं. अब इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, अगर इक्वल टू सिंगल टाइम है तो ये जस्ट वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है. इट मीन्स दैट 5 इज द वैल्यू ऑफ x दैट वी आर असाइनिंग टू x. 5 इज द वैल्यू, 5 इज द कांस्टेंट दैट वी आर असाइनिंग टू x. हमने x वेरिएबल को 5 की वैल्यू असाइन कर, सिंपल. इसका जस्ट काम इतना ही है. लेकिन यहां पर जब इक्वल टू का साइन आएगा तो इसका मतलब है कि 5 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5. 5 जो है वो दूसरे 5 के बिल्कुल इक्वल है. हम यहां पर चेंज कर लेते हैं, हम यहां पर सपोजिंग लिटरल्स लिख लेते हैं. फॉर एग्जांपल दिस x is equal to equal to y का मतलब ये है कि x और y की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल टू है, उसमें 0.1 का भी फर्क नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है. उसके लिए हम लोग डबल इक्वल टू का साइन यूज करते हैं. अगर आप लोग सिर्फ वैल्यू को साइन कर रहे हो तो इक्वल टू का साइन, और अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल कहना चाह रहे हो भाई जो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है, इसमें जरा सा भी फर्क नहीं है, एट दैट टाइम वी यूज द इक्वल टू ऑपरेटर. अब इनको प्रोनाउंस भी ऐसे ही हमने करना है, इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे और इसको हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर कहेंगे, ना कि डबल इक्वल टू. अभी तक मैंने वो वर्ड बोला, लेकिन एक्चुअली वो हम उसको ऐसे, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब ऑपरेटर्स को सोल्व कर रहे होंगे, जब ऑपरेटर्स की बात कर रहे होंगे, तो प्रोनाउंस भी ठीक से ही करेंगे कि भाई ये इक्वल टू ऑपरेटर है और ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है. ठीक हो गया जी. अब इसके अंदर हमारे पास जो है एक सिंपल कुछ एक्सप्रेशन है, जो वैलिड एक्सप्रेशन अगर है तो आपने उनका आंसर बताना है कि जी ट्रू और फॉल्स. तो इसमें एक चीज लाजमी तौर पर स्टूडेंट्स याद रखें कि हम मल्टीपल ऑपरेटर्स को, यानी कि मैनी ऑपरेटर्स कैन बी यूज इन अ सिंगल असाइनमेंट या सिंगल स्टेटमेंट. आप एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर अपने मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो, जैसे कि x लेस देन और इक्वल्स टू y. ठीक है, तो यहां पर आपने मल्टीपल ऑपरेटर यूज किए, तीन से दो ऑपरेटर यूज किए. आप लिख लेते हो जी x माइनस y इज नॉट इक्वल्स टू z, तो ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है. आपने मल्टीपल ऑपरेटर यूज किया, आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर का माइनस यूज किया, आपने नॉट इक्वल टू भी यूज कर लिया, तो ये भी सारा पॉसिबल है. मीन के हम लोग इंडिविजुअली ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, हम उनको आप कह सकते हैं कि कंबाइनली भी, कलेक्टिवली भी इस्तेमाल कर सकते हैं. स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच.